भाई, मैं हूं उनके द्वारा। स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवाइस एडिक्ट में। तो भाई, आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर डार्क एडिशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम टाटा हैरियर के बारे में सब कुछ जान लेंगे। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है इस गाड़ी से रिलेटेड, वो सब इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके मन में जो क्वेश्चन था वो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपनी जो आईडी है वो आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा हैरियर के बारे में। तो भाई, फ्रंट से देखने में टाटा हैरियर कुछ ऐसी सी लगती है। आपको फ्रंट में DRL दिए गए हैं जो कि इंडिकेटर का भी काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके DRL काफ़ी बड़े हैं और नीचे आप इसके हेडलैम्प्स देख सकते हैं। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं और हैलोजन बीम्स भी दिए गए हैं और नीचे जस्ट आप उसके फॉग लैंप्स चेकआउट कर सकते हैं। और जो उसकी ग्रिल है हनीकॉम की, काफ़ी प्यारी लग रही है। 205 mm की गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। टाटा का जो लोगो है वो सेंटर में इंटीग्रेटेड है क्रोम में, और फ्रंट से जो गाड़ी की लुक है काफ़ी प्यारी लगती है। और आप देख सकते हैं जो गाड़ी है काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बोल्ड लगती है देखने में, अगर आप इस गाड़ी को प्रॉपरली देखेंगे। और अभी मूव करते हैं इसके अंदर टायर साइज है गाड़ी का। गाइस, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हैरियर पुराने वाला था उसमें आपको 17 इंचेस का व्हील मिलता था, इसमें आपको 18 इंचेस का व्हील दिया गया। 235 65 आर 18 इंचेस के आपको इसमें व्हील दिए गए हैं। यहाँ पे डार्क की बैजिंग प्लस ORVM के ऊपर आप इंडिकेटर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्यारा और काफ़ी प्रीमियम सा देखने में लग रहा है। डोर पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया, जो कि काफ़ी इजीली आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी के अंदर एंटर करना है। तो ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया जो कि पूरे तरीके से डार्क ब्लैक कलर में है। तो गाड़ी की जो लुक है काफ़ी प्यारी लगती है, कहीं ना कहीं देखने में गाड़ी बहुत ही अमेजिंग और लग्जूरियस लगती है। टेल लैंप्स अगर आप देखेंगे तो पहले जैसे इस गाड़ी में आपको टेल लैंप्स देखेंगे, पूरी तरीके से LED है और दिन में भी लाइट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। और रियर से अगर आप लुक देखेंगे गाड़ी का तो काफ़ी प्यारा है। जो हैरियर की जो बैजिंग है जो पहले आपको क्रोम में दी गई थी, वो अब आपको मैट कलर में दी गई है, तो उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। बट पर्सनली मुझे जो पुराने वाला जो था हैरियर लिखा वो ज़्यादा प्यारा लगता था, क्योंकि इसमें हैरियर लिखा हुआ इतना दिखाई नहीं देता है और वो दूर से ही चमकता था। आप बम्पर पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं और काफ़ी अच्छी और प्यारी गाड़ी पीछे से भी देखने में लग रही है। ऊपर आपको यहाँ देख सकते हैं हाई माउंटेड एक स्टॉप लैम्प भी दिया गया है, वोकल्स फॉर लोकल, और यहाँ पे आपको डिफॉगर और वाइपर का भी ऑप्शन दिया गया है इस गाड़ी में। टॉप एंड वेरिएंट है ये, तो आप देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा लुक्स इस गाड़ी का आ रहा है। नीचे आपको कैमरा दिया गया है, रिवर्स कैमरा, और नंबर प्लेट के लिए लाइटिंग भी दी गई है गाड़ी में। और बम्पर आप देख सकते हैं, बम्पर पे आपको सेंसर भी दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर। और इस टाइप की गाड़ी की जो पीछे से अगर हम देखेंगे जो पूरी लुक आती है काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी लग्जरी गाड़ी पूरी देखने में लगती है पीछे से। भाई, साइड प्रोफाइल पे अगर आप देखेंगे तो आपको हैरियर की बैजिंग दी गई है और नीचे जो ये ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। इसमें भी आपको शेडोज जो ब्लैक कलर की दी गई है, नीचे आपको यहाँ पे भी लाइटिंग दी गई है टाटा हैरियर में, तो ये काफ़ी प्यारी और अमेजिंग लगती है। इसका जो पीछे वाला जो शीशा है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे प्यूमा बना हुआ है। और अभी इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं। सो गाइस, अभी इसका बूट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आपको इस गाड़ी में बूट दिया गया है। पार्शियल ट्रे को लिफ्ट अप करने का ऑप्शन भी है, प्लस आप इसको लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील है वो डिग्गी में नहीं दिया गया, स्पेयर व्हील यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे आप अपने टूल्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पे आपको जैक और ये टूल रखने के लिए जगह दी गई है। और जिसका स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे आपको दिया गया है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो फायदा ये है कि अगर आपकी गाड़ी में मान लो डिग्गी पूरी फुल भरी हुई है, तो अगर आपकी गाड़ी में कहीं पंचर हो जाता है तो उसमें आपको पहले पूरा सामान निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना स्पेयर व्हील को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर व्हील नीचे दिया जाता है तो उसमें क्या है कि आपका अपनी जो बूट है उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे से इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट एक डिसएडवांटेज ये भी है कि नीचे से बूट को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लगभग 425 लीटर का बूट स्पेस दिया गया। यहाँ पे JBL का सबवूफर भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ा है। ये तो नहीं कहूँगा कि अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी दिया गया है जिससे आप अपना जो बूट है उसको बंद कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो इतना कारगर नहीं रहता है जहाँ तक मुझे लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी में कुछ आपको एक्सेसरीज भी दी गई है। आपको हवा भरने के लिए इन्फ्लेटर दिया गया है। उसके बाद गाड़ी की जो लुक है काफ़ी अच्छी आती है। अभी इसके बूट को करते हैं बंद, बट गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैंडल से जो इसको बंद कराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, बट नॉर्मली आप इसका जो बूट है उसको अपने आपके डिग्गी से दबा के बंद कर सकते हैं। मूव कर लेते हैं गाड़ी की इंटीरियर्स की तरफ। तो गाड़ी का जो लुक है इस टाइप का देखने में लगता है। जो डोर है गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी लग्जूरियस लगता है। आपको ऑल फोर पावर विंडोज मिल रही हैं। इस टाइप का आपको क्रोम में इसका डोर हैंडल दिया गया है इनसाइड में, प्लस एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है आपको पकड़ने के लिए। और जो इसका ORVM है वो भी एडजस्टेबल है। आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल रहा है, प्लस आप अपनी अम्ब्रेला भी यहाँ पे होल्ड करा सकते हैं। चारों डोर्स में आपको स्पीकर और ट्विटर मिल रहे हैं, तो यानी आपको इस गाड़ी में टोटल 9 स्पीकर का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है। इस टाइप के एसी वेंट आपको दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो इस टाइप का आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। प्लस यहाँ पे आप अपनी पावर विंडोज कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने जो है वॉइस कमांड कंट्रोल कर सकते हैं, सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे टाटा का लोगो, प्लस यहाँ से अपने वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपको इसमें गाड़ी में इंटीरियर्स मिलेगा।
यहाँ से इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया गया है गाड़ी में, आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो अभी ये की है वो इसके अंदर नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, तो जैसे की इसके अंदर आएगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। प्लस इस टाइप की आपको इसमें स्क्रीन दी गई है, यहाँ पे आपको होम का बटन, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे रॉकर्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आप अपने चैनल चेंज वगैरह करने के लिए हैं, प्लस यहाँ पे अपना सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और प्लस यहाँ पे जो है हैजार्ड लाइटिंग मिलती है, प्लस यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में दिया गया है, यहाँ से आप अपनी फैन की स्पीड अप एंड डाउन कर सकते हैं, एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के लिए ऑप्शन दिया गया है, जो एयर फ्लो उसको एडजस्ट करने के लिए है, एसी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इस टाइप का आपको गियर बॉक्स, गियर नॉब मिलता है, 6 गियर में गाड़ी ये आती है, टोटल 6 गियर्स के साथ आती है, प्लस इसका हैंड ब्रेक है वो इस टाइप से है, एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड इसमें आपको हैंड ब्रेक मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, प्लस आपको इसमें जो मोड्स हैं वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये ट्रैक्शन ऑफ एंड ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, प्लस यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान अच्छे से रख सकते हैं, प्लस ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, प्लस यहाँ पे आपको यूएसबी कनेक्ट करने के लिए जगह दी गई है, अपना यूएसबी और ऑक्स कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एंड रिच फिनिश यहाँ से मिलती है। प्लस आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको IRVM दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे आपको माइक का जगह दी गई है, प्लस यहाँ से आप लाइट ऑन ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये जो सनरूफ है उसको एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे सनवाइजर पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइटिंग के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का जो डैशबोर्ड है काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियम फील होता है, पूरी तरीके से डार्क गाड़ी में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है डार्क कलर के अलावा, सिर्फ यहाँ पे हल्की सी सिल्वर फिनिश मिलती है, अदरवाइज पूरी जो गाड़ी है वो डार्क है, यहाँ पे हल्का सा सिल्वर टोन दिया गया है, प्लस यहाँ पे इस गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, टैबलेट होल्डर भी दिया गया है, अंदर लाइटिंग भी है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे पेन होल्ड करने के लिए जगह दी गई है, तो जो गाड़ी की जो पोजीशनिंग है वो सीटिंग पोजीशन वो भी काफ़ी अच्छी है, एडजस्टेबल सीट्स इस गाड़ी में आपको मिलती है। तो आप इस टाइप की इस गाड़ी में देख सकते हैं एयरबैग से टोल 6 एयरबैग है, हर पिलर पर आपको एयरबैग मिलेगा, फ्रंट में पिलर्स पर भी है प्लस रियर पिलर्स पर भी है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी मिलता है, ड्राइवर साइड नहीं रहेगा, प्लस आप सनरूफ देख सकते हैं गाड़ी की कितनी बड़ी है, तो काफ़ी बड़ी गाड़ी की सनरूफ है और जो सिटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। तो गाइस कुल मिला के काफ़ी अच्छी गाड़ी है, JBL के आपको स्पीकर्स मिलते हैं विद सब वूफर। तो गाइस ये कुछ ऐसा सा कुछ इंटीरियर इस गाड़ी का, अभी चलते हैं रियर साइड में, रियर की बात कर लेते हैं। तो रियर में अगर हम बात करें गाइस, तो रियर में आप डोर देख सकते हैं, इस टाइप के आपको डोर्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको एक एडिशनल जगह मिल रही है अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए, अब यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, प्लस नीचे आप बोतल होल्ड करा सकते हैं, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर रख सकते हैं, तो इस टाइप के लॉक मिलते हैं यहाँ पे JBL के डोर्स में दिए गए हैं, और अंदर अगर बैठे तो जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है गाड़ी में। तो देख सकते हैं आगे जो सीटें मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी और फिर भी जो मेरे को जगह मिली हुई थी उसके अकॉर्डिंग में कितनी ज़्यादा मेरे को स्पेस मिल रही है। यहाँ पे आपको एसी वेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको डोर्स के ऊपर भी एसी वेंट्स मिल जाते हैं गाड़ी के, प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, प्लस काफ़ी बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है और पीछे से जो लुक है गाड़ी का फ्रंट का इस टाइप का लुक आता है। प्लस अगर बात करें इसके जो रियर में, इसमें आपको 2 चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, रियर पैसेंजर्स भी अपना फोन इजीली चार्ज कर सकते हैं, 5 वोल्ट 2.4 एम्पीयर के दो आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप अपने 2 फोन इजीली कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, तो चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक साथ आप इस गाड़ी में 3-4 फोन इजीली चार्ज कर पाएंगे, और इस टाइप की गाड़ी की जो लुक है वो आती है पूरी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, ये गाड़ी देखने में लगती है, 3 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट है, और यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर भी दिया गया है, तो कुल मिला के जो गाड़ी की सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। गाइस वहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा सनरूफ है, मेरे सर तक पूरी सनरूफ इसकी आ रही है, तो काफ़ी अच्छे जो है सनरूफ इसकी देखने में लगती है, काफ़ी अच्छी सीटिंग पोजीशन भी है, और जो हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर यहाँ पे लाइटिंग भी दी गई है, आप लाइट देख सकते हैं उसको यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, वाइट लाइट यहाँ पे मिलती है, प्लस एक ग्रैब हैंडल भी आपको दिया गया है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह अगर पैकेज वगैरह लटकाना है वो यहाँ पे आप लटका सकते हैं, दोनों साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है, उस साइड भी आपको ये ऑप्शन दिया गया है। कीज़ की बात करें तो इस टाइप के आपको 2 स्मार्ट कीज़ इस गाड़ी में दी गई है, जो कि आपको टाटा सफारी, टाटा नेक्सॉन और टाटा अल्ट्रोज में भी देखने के लिए मिलती है, तो उसी टाइप की आपको इस गाड़ी में की दी गई है, और इसकी कीज़ में जो आपको फीचर्स मिलते हैं फॉलो मी हेडलैम्प्स प्लस लॉक अनलॉक प्लस बूट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प्स कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो उसकी जो हेडलाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। गाइस देख सकते हैं अगर आपकी गाड़ी पार्किंग वगैरह में खड़ी है तो वहाँ पे आप इसके फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइट है गाड़ी के जो पिक्चर हेडलैम्प से वो ऑन हो जाता है, और इस टाइप का आपको ऑन होने के बाद दिखता है आप इसके स्लो बीम और हाई बीम के लिए मिलता है, नीचे आपको फॉग लैम्प्स दिया गया है।
सो गाइस अगर आपको कोई पंजाबी सॉन्ग पे साउंड की क्वालिटी चेक करनी है तो उसको इंस्टाग्राम चैनल पे जाना होगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैं आपको पंजाबी सॉन्ग नहीं सुना सकता हूँ, बट हाँ कोई नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग मैं आपको यहाँ पे सुना दूंगा, तो उससे आपको साउंड की आउटपुट पता लग जाएगा कैसा है। सो इस टाइप की आपको टच स्क्रीन मिलती है, अभी फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ईजी प्रोसेस है, ईजिली फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। पंजाबी सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ जो कि आपको, जिसके लिए आपको रीडायरेक्ट होना होगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप पहुँच जाइए, और उसके अलावा मैं आपको एक सॉन्ग और सुना दूंगा यहीं पे भी, उससे भी आपको वॉइस क्वालिटी पता लगेगी, लेकिन एग्जैक्ट वॉइस क्वालिटी आपको इंस्टाग्राम चैनल पे ही पता लगेगी, क्योंकि प्रॉपर जो सॉन्ग हम सुनते हैं वो पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नॉन कोऑपरेटिव सॉन्ग यहीं पे सुना देता हूँ। सो गाइज इस टाइप का कुछ साउंड आउटपुट है इसका, जो म्यूजिक सिस्टम है उसका। सो गाइज एक रिक्वेस्ट और रहेगी वीडियो के बीच में, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे विजिट कीजिएगा और एडवाइस एडिक्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले मेरा आपको चैनल विजिबल होगा इस नाम से एडवाइस एडिक्ट, तो आप विजिट कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज उसके ऊपर मिलेंगी। हम जैसे देख सकते हैं गाड़ियों से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मैंने वहाँ पर डाली हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप पंजाबी सॉन्ग के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप चेक कीजिए, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप क्लिक कीजिए और सीधा पंजाबी सॉन्ग पे पहुँच जाएंगे। सो अभी मैं आपको एक पंजाबी सॉन्ग या हरियाणवी सॉन्ग बजा के सुना देता हूँ, वो भी आप चेक कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे प्लीज़। तो गाइस ये कुछ था इसके साउंड आउटपुट, तो MID में आप देख सकते हैं इसमें जो फीचर्स मिलते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। MID में आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी छोटी सी एक MID दी गई है और उसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस टाइप की आपको MID मिलती है, इसके अंदर आप यहाँ से इसकी ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं इसका, फिर पहले टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा, जैसे डिस्प्ले ऑन होगी आपको टाटा का लोगो शो होगा, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में RPMs मिलता है, प्रेस क्लच पैडल टू स्टार्ट इंजन, जब आप क्लच प्रेस करेंगे तभी गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट होगा, और जितने भी डोर्स ओपन है क्लोज है वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। अभी मैं जो ड्राइवर साइड डोर है उसको ऑफ करूँगा, बंद कर लेता हूँ तो ये दिखा देगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखा रहा है यहाँ पे कितना है, उसके बाद फ्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको फ्यूल की लाइन दिखाई दे रही होगी, प्लस टेम्परेचर दिखाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा, जैसे 170 किलोमीटर का फ्यूल अभी इसके अंदर बचा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा, प्लस आपको माइलेज भी दिखाता है कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, 82 किलोमीटर चल चुकी है वो भी दिखाएगा, टाइम दिखाएगा अभी कितना हुआ है, तो सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपको अगर कंट्रोल करना है तो आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं टॉर्क दिखाता है, उसके बाद माइलेज कितना है, 16.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये शो कर रहा है यहाँ पे, 37 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड शो कर रहा है, ट्रिप बी पे 70 किलोमीटर चली वो भी दिखा रहा है। प्लस गाइस और भी आपको आपको फीचर मिलेंगे, जैसे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी कितना किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज है, 0 से लेकर 20 तक का ऑप्शन स्पेसिफाई किया गया है, और उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गया, उसके बाद सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, पावर और टॉर्क भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सारी आपको इस डिस्प्ले में फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइस ये था इस गाड़ी के डिस्प्ले के बाद, यहाँ पे आपको मोड दिखाएगा, जो मोड रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा, जैसे अगर आप इसके स्विच करेंगे वेट मोड एक्टिवेटेड, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अगला मोड मिलता है, रफ रोड, अगर आपको रफ रोड पे चलानी है तो वो यहाँ पे चल सकते हैं, वेट मोड पे गीली सड़क है तो वेट मोड एक्टिवेटेड, और अगर आप इस पे करेंगे तो नॉर्मल सिटी ड्राइव मोड यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, काफी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस गाड़ी में। सो इस प्राइस रेंज में गाइस वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी हो सकती है आपके लिए। सो दोस्तों मेरे को वीडियो में जरूर बताइएगा आपको कैसे लगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप गाड़ी के लिए कोई एक्सेसरीज परचेज करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरे को आप लोगों से मिल रहा है और मैं और भी चाहता हूँ कि आपसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिले ताकि आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। सो गाइस फाइनली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।